हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हैप्पी प्लांट्स। फ्रेंड्स, ये प्याज और लहसुन के छिलके हैं। आज मैं इनसे आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगी। मैं इन्हीं छिलकों से फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड दोनों का काम करते हैं। लहसुन की बदबू से पौधों के पास में कीड़े भी नहीं आते। इनको मैं भिगो देती हूँ और 2-3 दिन भीगने के बाद में इसके जो पानी होता है उसको थोड़ा सा या तो पौधों पर डाइल्यूट करके पानी में स्प्रे कर दो और या थोड़ा मिट्टी में भी डाल दो, तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। ये फ्रेंड्स 5 लीटर की बैकेट है, इनको मैं इसमें भिगा दूंगी। इनसे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी बनता है और पेस्टिसाइड भी। अगर आपके पौधों पे कीड़े लग रहे हैं तो आप बाद में तो उस पर नीम ऑयल छिड़कना ही होता है, लेकिन अगर आप शुरू में ही जब पौधे हम लगाते हैं तो उसके चारों तरफ अगर आप एक एक लहसुन की कली उगा दें तो उसकी स्मेल से कीड़े पास में नहीं आएंगे, पौधों के कीड़े लगेंगे ही नहीं और फिर हमारा लहसुन भी तैयार हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स भिजा देंगे इसको। थोड़ा पानी और डाल देती हूँ मैं। अब इसको मैं 1-2 दिन भिजने दूंगी, फिर उसके बाद में मैं जब इसका ये अच्छे से भीग के इसका जो पानी बनेगा थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा, तब फिर मैं इसको स्प्रे बॉटल में डालकर और थोड़ा सादा पानी और मिलाकर पौधों पर स्प्रे कर दूंगी, जिससे उनको पेस्टिसाइड का काम करेगा वो। और फिर थोड़ा थोड़ा मैं पानी मिट्टी में भी डाल दूंगी। इससे हमारे पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और एक तरह से हम घर में ही फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इस बिस्लेरी की बैकेट में मैंने पहले से ही भिजा रखा है, इसको मैं सुबह शाम हिला देती हूँ। थोड़ी सी इसमें मैंने नीम खली, सरसों की खली और जो भी मेरा किचन वेस्ट है, लहसुन प्याज के छिलके, सब डाल रखा है इसमें मैंने। और जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं इसमें से थोड़ा सा ऐसे छान कर थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ और फिर इसी में ही एक भाग में 3 भाग पानी मिलाकर और फिर मैं पौधों की जड़ों में दे देती हूँ। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। पौधों के लिए हेल्थ भी अच्छी होती है उनकी और कीड़े भी नहीं लगते। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसे बनाइए और घर में ही पौधों को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दोनों ही अवेलेबल कराइए। ये कुछ गुलदाउदी की कटिंग है, गुलदाउदी की कटिंग है फ्रेंड्स। ये बहुत जगह लगाने के बाद इतनी सारी एक गमले में बची हुई थी तो मैंने आज इसको इसमें एक साथ ही लगा दी है। फिर इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर फूल नहीं आएंगे, इसलिए मैंने सारी कटिंग इसी में रख दी है। ठीक है, गमला बड़ा है, सारी लग जाएगी इसमें। ये मेरे वही पालक है जो मैंने आपको बताए थे एक वीडियो में। मैंने इनको हार्वेस्ट कर लिया और इनमें वर्मी कंपोस्ट डाल के और पानी दे दिया है, अब दोबारा इसमें आ जाएंगे पत्ते। और ये मूली के प्लांट है, आज 5वां दिन है, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है ये। ये उसका अपडेट दे रही हूँ मैं, जो बीज लगाए थे हमने। फ्रेंड्स मेथी अभी कहीं कहीं आ रही है, मेथी अभी बराबर से निकली नहीं है। और ये पालक है, ये काफ़ी अच्छे से सारा आ गया है। और फ्रेंड्स ये लेटस के पत्ते हैं, सलाद पत्ते। ये मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट्स उग गए थे तो मैंने इसमें शिफ्ट किए हैं एक बार, बाद में मैं इनको बड़े गमलों में लगा लूँगी। ये मिर्ची के बीज डाले थे मैंने, घर से ही डाल दिए थे, अब देखिए आप कितनी बड़े बड़े हो गए हैं, इसमें ट्रू लीव्स भी आने लग गई हैं। अब मैं इनको दो प्लांट को एक साथ बड़े गमले में लगा दूंगी। बस इसको फ्रेंड्स ढक के रख देंगे 1-2 दिन, फिर इसका पानी का कलर भी आप देखना 2 दिन बाद चेंज हो जाएगा और फिर आप इसको पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए लिक्विड फर्टिलाइज़र, कुछ नहीं करना पड़ता, हमारे किचन में जो निकलता है उन्हीं को पानी में भिगो कर बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।